नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चौहान, आप देख रहे हैं पवन पुरवैया न्यूज। आज मौजूद हूं आजमगढ़ के भोजपुर गांव में, जहां पर बीडीसी के प्रत्याशी अरुण कुमार भारद्वाज हमारे बीच हैं। आइए उनसे जानते हैं और बीडीसी का जो चुनाव आगे है तो उस पर चर्चा करेंगे। सर आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम अरुण कुमार भारद्वाज, मैं ग्राम सभा भोजपुर विकास खंड पहला जनपद आजमगढ़ से हूं। सर हमने सुना आप बीडीसी चुनाव लड़ रहे हैं। जी मैं बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव लड़ रहा हूं, और सर्वप्रथम मैं अपने समस्त सम्मानित ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाह रहा हूं, जिनकी प्रेरणा से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि बीडीसी का चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे साथ शिक्षित युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी वर्ग, चाहे वो किसी भी जात धर्म से हो, सभी लोगों का अपार हमें जन समर्थन मिल रहा है। और मैं ये भी चाहता हूं कि भविष्य में अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो जो हमें उन्होंने मान सम्मान दे रहा है, मैं उन्हें वैसा ही मान सम्मान दूंगा। सर आपके गांव से समर्थन काफी मिल रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, अब तक जिन्होंने मेरे गांव के लोग जिन्हें भी चुनाव जीत कर देखा है, तो वो लोग जो क्या किए कि उनके साथ हमेशा छल कपट का काम किए हैं, आपस में लड़ाने का काम किए हैं, गाँव का भाईचारा खत्म किए हैं। तो इसलिए सर जो मेरे गांव के शिक्षित युवा वर्ग हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में बात आया कि मेरे अरुण भाई साहब जो है कि पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सभ्य समाज से जुड़े हुए हैं और सामाजिक स्तर भी उनका अच्छा है, तो इस हिसाब से सर उन्होंने प्रोत्साहन किया कि भैया आप चुनाव लड़िए। सर आप गांव के हित के लिए कार्य करना चाहेंगे या फिर कैसे काम करना चाहेंगे? सर देखिए, पहले तो मुझे प्राथमिकता कि मैं चुनाव लड़ूं, चुनाव जीत जाऊं। इसके बाद जो है कि जो गांव वालों ने हमें जैसा समर्थन किया है, मैं वैसा खड़ा करूंगा। सर आपका नाम? सर मेरा नाम चंद्रशेखर राजभर। सर आपके क्षेत्र से बीडीसी चुनाव लड़ रहे हैं अरुण जी, तो उनसे आपको क्या समर्थन है और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अरुण जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं और हमारे जितने भी भाई बहन माता बहन हैं सबको कंधा से कंधा मिलाकर।